नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मुझे मरना है, जो कि इंस्पेक्टर स्टील और डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जब तक इमाम साहब यहाँ रहेंगे, उन पर हमले की तलवार लटकती रहेगी, इसलिए इमाम साहब को वापस दिल्ली भेजने की तैयारी करो। ओके सर। टीबी रिपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं। सभी बेसब्री से इमाम साहब का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम इमाम साहब को कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाओ। ओके सर। आइए इमाम साहब, ये लिफ्ट हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर जाएगी। आइए। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही लिफ्ट तेजी से ग्राउंड फ्लोर की तरफ भाग खड़ी हुई। लेकिन अचानक, अरे तुमने लिफ्ट को बीच में ही क्यों रोक दिया? क्या हम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब वो सिक्योरिटी ऑफिसर एक नए रूप में इमाम के सामने था और उसका वो रूप इमाम को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। इमाम साहब को देखते ही प्रेस वाले मानो उस पर टूट ही पड़े। क्या आप बता सकते हैं इमाम साहब कि आपको किसने मारने की कोशिश की? किस मजहब का था वो? वो किसी भी मजहब का हो, लेकिन उसने उस मजहब पर जरूर धब्बा लगाया है जिसे इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत के नाम पर मजहब को बदनाम करने वाले ऐसे शख्स को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। उस पर अल्लाह का कहर टूटेगा और उस कहर से वो नहीं बच पाएगा। सुना है आपको वापस दिल्ली भेजा जा रहा है, क्या आप जा रहे हैं? अगर इस शहर का निजाम चाहता है कि हम जाएं, तो हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं जा पाओगे तुम इस शहर से, जिंदा नहीं जा पाओगे इमाम साहब, क्योंकि अगर तुम मुंबई से जिंदा वापस चले गए तो मुंबई पर राज करने का हमारा वो प्लान ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हारी मौत से जिसकी शुरुआत होने वाली है। मुंबई का सहारा एयरपोर्ट इस समय जिसका चप्पा चप्पा पुलिस के विशेष कमांडो से भरा नजर आ रहा था। हरेक की सांस अटकी हुई थी। हरेक यही चाह रहा था कि जब तक इमाम साहब मुंबई की धरती पर हैं, तब तक कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन उनके चाहने से क्या होता है? गड़बड़ तो हो चुकी थी। तर 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 और गड़बड़ भी ऐसी कि किसी के रोके नहीं रुक रही थी। हमारी गोलियां उसके शरीर पर लग रही है, उसका शरीर लहूलुहान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा। इसका एक ही कारण है, गोलियों से होने वाले दर्द का उसे एहसास नहीं हो रहा। तर 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 उफ, इस तरह तो उसे रोकना मुश्किल है। इमाम साहब को बचाओ। ओ भागिए इमाम साहब। नहीं भागना, नहीं भागना है मुझे, क्योंकि मुझे इसी मौके का तो इंतजार था। ये इमाम नहीं, ये तो डोगा है। हाँ, मैं डोगा हूं और इमाम साहब के रूप में इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता था कि कानून के कमजोर हाथ इमाम साहब को मौत से नहीं बचा सकते हैं। उन्हें बचाने के लिए तो डोगा के मजबूत हाथ चाहिए। उफ, भाग जाओ। ये जंग अब डोगा के और अपनी जान फिदा करने वाले उस हत्यारे के बीच है। देखते हैं कौन जान फिदा करता है। और तर 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 किसके शरीर में जान जुदा होती है? गोलियां उसे घायल तो कर रही है, लेकिन उससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। उसने अपने शरीर पर ऐसा कुछ लगाया हुआ है जिससे उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा। चुम तर 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 चुम चुम चुम। मुझे उसे मारने के लिए उसके दिल या उसकी खोपड़ी को अपना निशाना बनाना होगा। ओह,
वो अपने दिल और अपनी खोपड़ी को बचा रहा है, यानी वो जानता है कि जब तक उसका दिल या खोपड़ी निशाना नहीं बनेंगे तब तक उसके शरीर को गिरने में समय लगेगा और इतने समय में वो अपना काम कर डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर डोगा उसे रोकने आया है तो ये रुकेगा। डोगा उसके साथ साथ इसका काम भी तमाम करेगा और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, इसके शरीर से कई गुना ज्यादा लोहा भर दिया जाए। तर 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 चिम चिम चिम। गोलियों के साथ साथ दिमाग भी चलाया था डोगा ने, जिसका परिणाम ठीक वही हुआ था जैसा डोगा ने सोचा था। उस हत्यारे के जिस्म में इतना लोहा भर गया था कि वो अपना पांव उठाने लायक भी नहीं रहा था। अब तो उसके शरीर को गिरना ही था और उसके गिरने के साथ ही मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं चलता हूं। ठहरो डोगा, कम से कम ये तो बताते जाओ कि इमाम साहब कहाँ हैं। वे इस समय साधारण पैसेंजर की तरह राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली तक का सफर तय कर रहे हैं और ऐसा उन्होंने मेरे कहने पर किया, जो पुलिस हेडक्वार्टर की लिफ्ट में इंस्पेक्टर का भेष उतारने के बाद अपने असली रूप में आकर मैंने उन्हें बताया था। आप मुझे अल्लाह का वो गुनाहगार बंदा कह सकते हैं इमाम साहब, जो उन गुनाहगारों को सजा दे रहा है जो अपनी शैतानी इरादों की बदौलत मेरे जैसे गुनाहगारों को पैदा होने के लिए मजबूर करते हैं। आपकी जान लेने की कोशिश करने वाले भी ऐसे ही गुनाहगार हैं। वह आपको मारकर लोगों के अमन और चैन को खत्म कर देना चाहते हैं, सारी मुंबई को मजहबी दंगों की आग में झोंक देना चाहते हैं, लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं होगा। मैं आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। मैं आपको मारने की कोशिश करने वाले गुनाहगारों को मारने का गुनाह करूंगा। अपने वतन और इंसानियत को शैतानों से बचाना अगर तुम्हारी नजर में गुनाह है तो मैं पाक पखर दीवार से यही दुआ करूंगा कि मेरे देश का हर वसींदा ये गुनाह करे और देश के हर वसींदे के साथ हम भी इस गुनाह को करने के लिए तैयार हैं। किसी को इस गुनाह के दलदल में उतरने की जरूरत नहीं है इमाम साहब। डोगा है ना इसके लिए, और डोगा अकेला ही बहुत है। आप तो सिर्फ वो कीजिए जो मैं चाहता हूं। क्या चाहते हो तुम? आप पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर यहां से निकल जाइए और फिर किसी को बिना कुछ बताए ट्रेन से दिल्ली रवाना हो जाइए, ठीक है? लेकिन क्या हमारे इस तरह एकाएक गायब होने से हंगामा नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। आपके जाने के बाद भी आप यहां से नहीं जाएंगे, आप फिर भी यहां रहेंगे मेरे रूप में। हम समझे नहीं? मुझे आपके कपड़े और आपकी टोपी और आपका दूसरा सामान चाहिए। आप जैसी दाढ़ी और मूछें मैं अपने साथ लाया हूं। ओह, यानी तुम हमें यहां से सही सलामत मत भेजकर हमारे रूप में खुद को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? आप इसे मौत का मुंह कह सकते हैं इमाम साहब, लेकिन मेरे लिए ये गुनाहगारों तक पहुंचने का एक जरिया है। ओह, मेहरबानी करके अपना हाथ दो। और इमाम साहब ने डोगा के हाथ को चूम लिया। यह आपने क्या किया? तुम्हारे हाथ को चूमकर अपना रुतबा बढ़ाया है, ताकि जब मरकर पाक परवरदिगार के सामने पहुंचू तो फक्र से उससे कह सकूं कि तूने जमीन पर डोगा नाम का जो मसीहा भेजा था मैंने उसका हाथ चूमा है। मैं हैरत से इमाम साहब का मुंह देखता रह गया और फिर जल्दी उनका भेष धरकर यहां तक आ पहुंचा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमाम साहब को मारने पहुंचे उस हत्यारे की मौत के साथ ये समस्या खत्म हो गई। उसकी जड़ अभी बाकी है। मुझे तो उसी जड़ को खत्म करना है और ऐसा मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। फिलहाल तो ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। राजनगर से इंस्पेक्टर स्टील के हाथों मात खाने के बाद मैंने मुंबई को अपना निशाना बनाने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि मुझे मुंबई में ऐसा कोई शख्स नहीं दिखा था जो इंस्पेक्टर स्टील की तरह
मेरे साथियों के बम के धमाके के सामने आ जाए। लेकिन डोगा ने सामने आकर दिखा दिया कि ऐसा सोचना मेरी भूल थी। इस शहर में डोगा नाम का ऐसा फौलाद है जो मेरे धमाकों की भी धजिया उड़ा सकता है। डोगा ने सिर्फ हमारे धमाकों के ही नहीं, इस शहर पर राज करने के हमारे सपनों को भी धजिया उड़ा दी है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एक हार का मतलब ये नहीं कि डोगा हमसे जीत गया है। डोगा कितना भी बड़ा फौलाद सही, मैं उसे राख में मिलाकर ही रहूंगा। डोगा के साथ साथ अब आपको इंस्पेक्टर स्टील को भी राख में मिलाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि राजनगर से खबर मिली है कि पुलिस हेडक्वार्टर से विशेष परमिशन लेकर हमारी तलाश में स्टील मुंबई आ रहा है। ओह, उसे कैसे पता चल गया कि मैं मुंबई में हूं? ये तो पता नहीं, लेकिन वो मुंबई हमारी खोज में ही आ रहा है। आने दो, इंस्पेक्टर स्टील को मुंबई में हम नहीं मौत मिलेगी जैसे ही इंस्पेक्टर स्टील मुंबई के धरती पर पांव रखेगा। वैसे ही उसे मौत देने वाला यमदूत सक्रिय हो जाएगा। इसमें इंस्पेक्टर स्टील आ गया है, मुझे यहीं पर हमला करना है और उसकी शुरुआत मुझे यहीं से करनी है। ए रुक, यह वर्जित क्षेत्र है, इसमें कहां घुसा जा रहा है? मैं सही जगह जा रहा हूं, क्योंकि इसी वर्जित क्षेत्र में मेरी मंजिल मौजूद है, इस फाइटर प्लेन के रूप में, जिस पर सवार होकर मैं करूंगा जुम इंस्पेक्टर स्टील पर हमला। उफ सर, उस फाइटर प्लेन के पायलट के हाथ प्लेन के कंट्रोल पर हड़बड़ा गए थे, या मुझे ये धोखा हुआ है कि उसने मुझ पर हमला किया है? नहीं, मुझे धोखा नहीं हुआ है, ये फाइटर प्लेन मुझ पर ही हमला कर रहा है, और ये हमला इस बात का सबूत है कि मैंने मुख्य अपराधी को खोजने के लिए मुंबई आने का जो फैसला किया है वो एकदम सही है। मुंबई में इंस्पेक्टर स्टील पर जो हमला हुआ था और डोगा पर होने जा रहा था। रात को डोगा बनकर निकलने के बाद मुझे दिन भर की घटी घटनाओं और आपराधिक वारदातों की जानकारी पाने के लिए शहर भर में फैले अपने साथी कुत्तों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उन्हें बुलाने के लिए मुझे बजानी होगी अपनी डॉग व्हिसल। डॉग व्हिसल बजी, कुत्ते आए, और इसी के साथ डोगा ऐसे उछला जैसे उसका पांव दहकते अंगारों पर पड़ गया हो। ये मैं क्या देख रहा हूं? जो कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं उनके शरीर पर कुछ बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? बम, बम बंधे हुए हैं इन सभी कुत्तों के शरीर पर, और चूंकि उन बमों को मैंने बांधा है इसलिए उन सभी बमों का रिमोट भी मेरे पास है। ओह, तू कौन है? ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि डोगा के बेजुबान दोस्तों के शरीर पर बम बांधकर तूने अपनी मौत बुला ली है। मौत मौत से कौन डरता है, जिंदगी से किसे प्यार है? ऐसा है तो डोगा अभी तेरी जिंदगी को मौत का निवाला बनाता है। बड़ों, ओह, मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन मुझे मौत का निवाला बनाने से पहले कम से कम इनकी तो सोच लो, जो हमेशा तेरी वफादारी करते आए हैं। जैसे जैसे मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा वैसे वैसे मैं इस रिमोट का स्विच दबाकर इन कुत्तों को उड़ाता रहूंगा। ओफ, क्या चाहता है तू? चुपचाप खड़ा रहा और इन सभी कुत्तों को अपने पास पहुंचने दे, फिर मैं जो चाहता हूं वो अपने आप हो जाएगा। ओह, वो चाहता है कि सभी कुत्ते मेरे शरीर के पास पहुंच जाए और वो अपने हाथ में थमे रिमोट से मेरे साथ साथ उनके भी परखच्चे उड़ा दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अभी इन सभी कुत्तों को यहां से भगाकर रिमोट की रेंज से बाहर निकल जाने का आदेश देता हूं। ओह, ये क्या, इस कहानी को यही खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।